हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेरी रानी का जायका। आज हम मॉनसून स्पेशल यानी कि बरसात स्पेशल राई की मिर्ची बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने छोटी छोटी ये हरी मिर्च ले ली हैं। ये छोटी हरी मिर्च की बनती है। एक हरी मिर्च चौड़ी, थोड़ी सी चौड़ी होती है और छोटी होती है, उसकी भी बन जाती है। तो इनको हम पहले बॉयल करेंगे। ये वेट में 250 ग्राम है। तो ये हमने पानी ले लिया है, ये सब इसमें डाल देंगे। 10 मिनट बॉईल करेंगे हम इनको। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और ख़ास तौर से बरसातों में ही बनाई जाती है ये। चलिए 10 मिनट बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए, हरी मिर्च बॉईल हो रही है 10 मिनट से। गैस ऑफ कर देंगे। मिर्ची इतने हमारी ठंडी हो रही हैं तो हम एक मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए ये हमने 1 टीस्पून भर के नमक ले लिया है, 2 टेबल स्पून राई ले ली है और ये इस तरह से 3 ये लहसुन की गांठें हैं तो इनको ले लिया है हमने। इसके हमने छिलके नहीं उतारे हैं, इसी से स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा। तो आपको छिलके नहीं उतारने हैं। इन सबको मिला करके हम एक पेस्ट बना लेंगे। दरदरा सा लहसुन का दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो चलिए इसको भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मिर्चें ठंडी हो चुकी हैं। इनका पानी निकालेंगे। ये इस तरह से लेंगे, ये इस तरह से पानी निकाल देंगे। इसमें से सारी मिर्चें इसी तरह तैयार कर लेंगे और ये अलग रख देंगे। ये देखिए, मिर्चों का हमने पानी निकाल दिया है अच्छी तरह से। ये इस तरह से इसका पानी निकाल दिया था। अब इसमें पानी नहीं है, अब इसमें मसाले मिलाएंगे। ये बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी। बरसातों में खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये हमने राई, नमक और लहसुन इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है। पहले ये मिक्स करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और करेंगे। इस तरह इसको मिक्स करना है। हैंड टू हैंड तैयार हो जाती है। बस आप एक घंटा रखिए और इसको एंजॉय कीजिए, खाइए। रोटी के साथ खाइए, गेहूं चने की मिस्सी रोटी के साथ खाइए या राइस के साथ, दाल के साथ भी ले सकते हैं साइड में। ये बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा हमने बचा लिया है और ये हमें कांच का बर्तन या सिरेमिक होता है, यानी कि जिसे हिंदी में चीनी मिट्टी का बर्तन कहते हैं, उसमें भी रख सकते हैं, स्टील के में। बाकी ये और किसी में ना रखें। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है और इसको 3-4 दिन आराम से आप बाहर रखें खा सकते हैं। अगर आपको एक हफ्ता रखना है तो इसको फ्रिज में रखना होगा। और ये खाने में इतना टेस्टी होता है, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। ख़ास तौर पे ये हरी मिर्च बरसातों में ही बनाई जाती है। तो बनाइए हमारे तरीके से। देखते रहिए रानी का जायका, इस पर आपको चटपटी मज़ेदार जायकेदार रेसिपीज़ मिलेंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एंजॉय कीजिए।